तो भाई लोग ग्लोबल T20 कनाडा का जो मैच नंबर 8 है ना, इसमें टोरंटो नेशनल के सामने होगा बांग्ला टाइगर्स मिसुंगा। अगर हम यहाँ पे टोरंटो नेशनल की बात करें तो भैया जो 3 मैच खेला उसमें से 2 जीता 1 हारे, इनकी भी जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बांग्ला टाइगर्स की बात करें जो अपने 2 मैच खेला, पहला मैच हार जाते लेकिन दूसरे मैच में वापसी करते जीतते हैं, तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी जो मैच है उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इनके बीच में अभी तक 1 मैच खेला गया जिसे टोरंटो नेशनल ने अपने नाम पे किया, यानी टोरंटो नेशनल पहले भी बांग्ला टाइगर्स को हरा चुका है, तो क्या आज के मैच में वही कहानी दोहराएगा या जो बांग्ला टाइगर्स है ये पलटवार कर लेगा, चलो एनालिसिस करके पता लगाते हैं। बस उससे पहले यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक अगर अभी तक ना किया हो तो, और साथ में ना मेरा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ कि ये टीम मैच जीतेगी लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बनते हैं, तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी आपको यकीन नहीं, वो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है टोरंटो नेशनल वर्सेज बांग्ला टाइगर्स, इसमें जो भाई की अपडेट है वो चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, काम पसंद ना है तब वापस चला जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम बात करें इस मैच की तो भैया ये जो मैच है ट्यूजडे 30 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 8:30 मतलब सही टाइमिंग है, 8:30 शाम को ये रात को ये मैच खेला जाएगा। ये जो मैच है CAA सेंटर ब्रम्पटन ओंटारियो के मैदान पे खेला जाएगा। देखो इस मैदान की बात करें जो मैच नंबर 7 था सेम मैदान पे खेला गया था, उस मैच की वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है, जो मैच था टोरंटो नेशनल वर्सेज सरे जगुआर्स के बीच में। देखो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, आपको पिच के बारे में सब पता है, अब सेम चीज़ मैं दोबारा से बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, तो एक चीज़ को दो बार बताने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी वो अगर वो पिची कोड के बारे में जानना चाहते हैं जाएँ मैच नंबर जो 7 की वीडियो है उसे देख ले, पूरी वीडियो नहीं देखनी, छोटा सा पिची रिपोर्ट का पार्ट होगा बस उतना देख लेंगे, पिच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो जो टोरंटो नेशनल इसने 9 मैच खेला, 4 जीते 5 हारे, मतलब एक मैच जीतता था 1 मैच हार जाता है। बात करें बांग्ला टाइगर्स की, इसने 8 मैच खेला बस 1 जीता 7 मैच हारे, यानी जो बांग्ला टाइगर्स की कहानी होती है इस मैदान पे बहुत ही खराब है भैया, 8 में से बस 1 मैच जीता। टोरंटो नेशनल वर्सेज बांग्ला टाइगर्स के बीच में 1 मैच खेला गया जिसे टोरंटो नेशनल ने अपने नाम पे किया, यानी टोरंटो नेशनल पहले भी इस मैदान पे बांग्ला टाइगर्स को मात दे चुका है, तो आज के मैच में क्या होगा चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टोरंटो नेशनल की, अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करते हैं, मे बी जैसन बैरन ड्रॉप की वापसी हो सकती है, बाकी की दो टीमें सेम रहने वाली, क्योंकि इसी टीम के साथ 2 मैच जीता 1 मैच हारे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी, हालांकि कोलिन मुंड्रो की बात करें जो फॉर्म है थोड़ा सा आधी अधूरी है, पहले मैच में रन बनाया उसके बाद अगले 2 मैच में फ्लॉप हो गए, ज़्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन उन्मुख चंद लगातार सभी मैच में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 मैच में लंबी पारी खेली बाकी 2 मैच में 20-25 बनाए, ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पा रहे लेकिन ठीक ठाक शुरुआत दे रहे हैं अपनी टीम को। राशि फंडर डोसन की बात करें, बल्लेबाज तगड़ा है लेकिन जो फॉर्म है ना वो भी थोड़ी सी आधी अधूरी, क्योंकि 1 मैच में बढ़िया खेला बाकी के मैचों में राशि फंडर डोसन भी थोड़ा सा फ्लॉप दिखे। बात करें निकोलस कीटन की तो भैया 1 भी मैच में अच्छा ना खेल पाए, लगभग सभी मैच में फ्लॉप हो गए। रोस्टन चेस की बात करें तो इन्होंने बल्लेबाजी 1 भी मैच में अच्छी ना करी, गेंदबाजी 1 मैच में थोड़ा बेहतर करी थी, मे भी इनकी जगह पे ना हो सकता है कि मोहम्मद नवाज भी खेल सकते, क्योंकि नवाज भी बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। रोहित पटेल जो नेपाल के कप्तान हैं ये भी 1 भी मैच में बढ़िया बल्लेबाजी ना कर पाए, या इनकी भी जगह पे मोहम्मद नवाज खेल सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे बल्लेबाजी की तो कहीं ना कहीं 1-2 बल्लेबाज को छोड़कर या ऊपर के 3 बल्लेबाज को छोड़कर बाकी के जो बल्लेबाजी वो स्ट्रगल कर रहे, ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, लेकिन जो इनकी गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, क्योंकि मोहम्मद रोहित खान 2 मैच खेला, दोनों मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करी, जुनेद सिद्दीकी 3 मैच खेले, तीनों मैचों में विकेट चटकाए, किफायती रहे, बढ़िया फॉर्म दिखाई। बात करें जैसन रैंडोफ जो 2 मैच खेला, उन दोनों मैचों में जैसन रैंडोफ ने भी बढ़िया गेंदबाजी करी, ये तीनों गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और साद बिन जफर भी इनका ठीक ठाक साथ दे देते हैं, मतलब लगभग ठीक ठाक गेंदबाजी दोनों मैचों में 2 मैच में करी, 1 मैच में हालांकि थोड़ा सा महंगे रहे। रोमारियो सेफर्ट भी अपना काम कर जाते हैं, हालांकि बल्ले से ज्यादा कुछ ना कर पाए रोमारियो सेफर्ट, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने ठीक ठाक करके दिखाई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो टोरंटो नेशनल के गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है, काफ़ी बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो आधी अधूरी है, आधे बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, आधे बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बांग्ला टाइगर मिसुंगा की बात करें तो देखो इनके खेमे में कोई चेंज ना होगा, क्योंकि इसी टीम के साथ पिछला मैच जीते हैं तो ये सेम टीम के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है हजरतुल्ला जजाई एंड रहमानुल्ला गुरबाज,
दोनों ठीक ठाक बल्लेबाज है, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम यह है कि दो तीन मैच में, एक मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं तो एक दो मैच में फ्लॉप होते हैं। सेम कहानी दोनों की है, तो देख लो दो मैच खेला, एक में रहमानुल्लाह गुरबाज ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, एक में अजतउल्लाह जजाई ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। बाकी अगर हम यहाँ पे सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी करा तो इफ्तिकार अहमद चौथे नंबर पर आते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करें, दो मैच खेला, दोनों मैच में रन बनाए, इफ्तिकार सच्चा बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं। शकीब अल हसन की बात करें तो बल्लेबाजी से ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पा रहे लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं सॉलिड कर रहे हैं, जबकि साकिब बढ़िया बैटिंग भी कर सकते हैं लेकिन बल्लेबाजी से फॉर्म में नहीं दिख रहे, गेंदबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं साकिब अल हसन। मोहम्मद वसीम की बात करते ये भी गजब के बल्लेबाज है, जो ओपन या तीसरे नंबर पर खेलते हैं लेकिन जो दो मैच खेला उन दोनों मैचों में इनका बल्ला ना चला थोड़ा सा, इनकी जो फॉर्म है लंका प्रीमियर लीग में तो बढ़िया थी लेकिन यहाँ पे भी बल्ला नहीं चला। प्रगत सिंह ने पिछला मैच खेला, पिछले मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दिखाई, रन बनाए जिससे टीम का थोड़ा सा हौसला बढ़ा, बढ़िया फॉर्म दिखाई। डेविड वीजे की बात करें थोड़ा सा नीचे एज ए फिनिशर खेलते हैं, अभी तक वो फिनिश इनके बल्ले से फिनिश वाला टच दिखा नहीं लेकिन जो गेंदबाजी है दोनों मैचों में बढ़िया करी, क्योंकि जो इनकी विरेशन होती तगड़ी होती है उसका फायदा भी बांग्ला टाइगर्स को मिल रहा है क्योंकि डेविड वीजे बढ़िया गेंदबाजी करके दे रहे हैं। गुरपाल सिद्धू की बात करती है, बॉलिंग ऑलराउंडर, इन्होंने पिछला मैच खेला उसमें गेंदबाजी भी ठीक ठाक करी और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करी, तो इन्होंने वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके दिखाई, किसने, गुरपाल सिद्धू ने। डिलन हेलेगर की बात करें तो ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी हमेशा इनकी सही रहती है, बल्लेबाजी बहुत कम अच्छी कर पाते हैं लेकिन एक मैच में उन्होंने बल्लेबाजी सही करके दिखाई, एक मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी करके दिखाई। बाकी सौरफुल इस्लाम कमाल के गेंदबाजी है, दोनों मैचों में लगभग बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने करी, विकेट चिड़का किफायती रहे। बात करें नौ पबरेजा की, तो नौ पबरेजा मतलब जो गेंदबाज है ठीक ठाक है लेकिन जो इनके गेंदबाजी है कभी चलती कभी नहीं चलती, जैसे एक मैच में काफ़ी ज़्यादा महंगे तो दोनों मैच में साबित हुए, हाँ एक मैच में विकेट मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बांग्ला टाइगर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे इनके बल्लेबाजों की बात कर लें या फिर गेंदबाजों की बात कर लें। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के यहाँ पे कंपेरिजन करें तो जो टोरंटो नेशनल है अपने आखिरी के छः मैच में तीन जीते तीन हारे, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। बात करें बांग्ला टाइगर्स की तो अपने छः मैच में बस एक जीता पांच हारे, जो पिछला मैच है वही जीता, बाकी पांच मैच लगातार हार के आए थे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 160 160, यहां की पिच के हिसाब से ठीक है क्योंकि गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है तो उसके हिसाब से 160 ठीक है। बात करें टोरंटो नेशनल का 154 154, इनका भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते लेकिन जो गेंदबाजी एवरेज है वो है टोरंटो नेशनल का 7.60 7.60, यहाँ की पिच के हिसाब से जो गेंदबाजी एवरेज है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, यानी जो इनके गेंदबाज है लगभग 150 से 160 के बीच में रन खाते हैं, बल्लेबाज भी उतना पहुँच जाते हैं तभी एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे बांग्ला टाइगर्स की, इनका जो गेंदबाजी एवरेज है 8.67 8.67 का मतलब है पिछले सीजन इनकी जो गेंदबाजी थी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही थी, 170 से 180 के बीच में रन खाते थे और बल्लेबाजी सिर्फ 160 तक पहुंच पाते थे, तभी छः मैच में सिर्फ एक मैच जीते पांच मैच इनको हारना पड़ा। तो रिजल्ट में जो टोरंटो नेशनल है वो बांग्ला टाइगर से बेहतर नज़र आ रही है, बल्लेबाजी एवरेज कहीं ना कहीं दोनों टीमों के एक जैसा है लेकिन जो गेंदबाजी एवरेज है ना वो टोरंटो नेशनल का बांग्ला टाइगर से बेहतर नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी मैच उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो अभी हाँ तुरंत के तुरंत हम आपको बता देते हैं। बस उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, क्योंकि आप ना करोगे तो कौन करेगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है वो तो मेरे को बराबरी पे नजर आ रहा है, 50 टोरंटो नेशनल एंड 50 बांग्ला टाइगर मिसयूगा, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना बांग्ला टाइगर मिसयूगा अपने नाम पे कर सकता है। देखो इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन वो टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ लगभग विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं हो ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है टोरंटो नेशनल वर्सेज बांग्ला टाइगर, इसमें जो भाई की अपडेट है वो चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है मेरा काम पसंद आता तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। हाँ काम पसंद ना है तब आप वापस चले जाना क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी एक बार टेलीग्राम पे जरूर जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर आपको जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।